फाइनली पहुंच चुके हैं कास्टिंग बे के पास। तो आज इनको ही ऑडिशन देंगे हम, अगर ये लोग लेते हैं हमारा ऑडिशन। तो वही है ना गाइस, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक ढूंढेंगे नहीं खुद से, तो पता भी नहीं चलेगा। अभी धीरे धीरे हमें पता चला इसके बारे में, तो ऐसे ऐसे सब पता चलता रहेगा। इसलिए निकलो बाहर अभी। फिर अभी तो हम स्टूडियोज में जा रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रोडक्शन हाउस में जाया करेंगे। और हिमांशु ना हॉर्स राइडिंग की, हॉर्स राइडिंग करी तो कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। अभी तो वैसे करी स्लो, चरम शुक्ला नेक्स्ट टाइम पक्का भगाऊंगी। Alright, so guys, welcome back to the channel. I'm Vijay Sharma and you are watching Vijay Sharma Vlog. So do good morning सबसे पहले। अभी बज रहे 11। तो कल दिवाली थी, तो दिवाली की वजह से हम बहुत लेट सोए गाइस, सब लेट उठे। तो घर में सामान खत्म हो गया था, ब्रेकफास्ट का, लंच का। तो अभी जा रहे हैं सामान लेने के लिए, आलू प्याज टमाटर और न्यूट्री और लहसुन सब कुछ। सो दिखाते हैं आपको सब कुछ। तो अभी बहुत लेट हो चुकी गाइस, तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं शॉप पे। अच्छा, ये पाव है ना? किसके साथ खाते हैं इसे? ये दूध के साथ भी खा सकते हैं आप, चाय के साथ। अच्छा, रस टाइप का ना? सो गाइस, ये ली न्यूट्री और आलू, एंड क्या लिया साथ में? दलिया। और बाकी अभी ले रहे हैं क्या, टमाटर लेंगे आगे से। अब जा रहे हैं घर की तरफ और बनाते हैं एंड फिर खाएंगे। और काफी थकावट सी महसूस हो रही थी सुबह, क्योंकि हमने बहुत लेट आए घर यार गाइस। हम सोए 4 बजे। सो चलते हैं गाइस, आज ट्यूसडे है इसलिए हम लोग अंडे भी नहीं खा सकते। हाँ, अंडे बढ़ते गाइस घर पे। और इनकम इसने याद दिला दिया कि यार अंडे आज वो है, मंगलवार है, तो हम नहीं खा रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। पहुंचे अभी घर पे एंड हिमांशु भाई बना रहे कुछ खाने के लिए कुछ। तो यहाँ पे चल रहा है क्या? चल रहा है आलू छील रहा हूँ। और अभी हम बना रहे हैं पुलाव, जिसमें मैं डालूंगा आलू, सोयाबीन की। सही है, सीख रहा है, मतलब है घर से दूर रह के करना पड़ता है। गुड गुड। और ट्राइसेप से दिखा दे। ओ ग्रेट, रेडी हो चुकी है वेज बिरयानी। हम बैचलर्स लोग हैं तो ऐसे ही बन पाया। और कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉग एडिट अपना, और साथ में खाना खा रहा हूँ। सो गाइस, अभी खाते हैं इसको और ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। ब्लॉग काफ़ी हद तक एडिट हो गया, आपको दिखाने के लिए मैं लगा रहता हूँ, ताकि डेली ब्लॉगिंग करनी है, स्किप नहीं करना एक दिन भी। और ये खा रहे हैं कुछ जानवर यहाँ पे, कैसे ओ जानकी। और यहाँ पे खा रहे हैं हिमांशु स्टडूट। तो अब तो खुद से सो गाइस, हम ना अभी ऐसे नीचे ही खाते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हम डाउन टू अर्थ हैं। हाँ, डाउन टू अर्थ हैं, बट जो हम डाउन में खा रहे हैं, इसलिए हम डाउन में खा रहे हैं। तो जो बाहर का रूम है ना गाइस, वो हमने पूरा खाली रखा है, क्योंकि हमें अपनी वीडियोस बनानी पड़ती है, इंट्रोडक्शन वीडियोस, ऑडिशंस या बहुत कुछ काम होते हैं। तो हमने वो रूम खाली रखा है, तो सब इसमें कर रहे हैं। और हम लोग सब एक चीज का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का, हाइजीन का, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और हाइजीन है तो बरकत बनी रहती। सही बात है, समझ आया। लेकिन जिंदगी अच्छा लगा, समझ गया। आई फील यू ब्रो, आई फील यू, मैं समझ गया था। आई फील यू। तो करते ब्लॉग एडिट और गाइस अब थोड़ा खाना खाते हैं खाना। ये बंदे शूज। तो वैसे भी सीनियर सर के भी जा रहे हैं ऑडिशन के लिए, प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं। और फ्रेंड लोग भी आ गए मेरे काफ़ी, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि भाई यहाँ आ जा। तो जा रहे हैं अभी एंड सो गाइस, चलते हैं, लेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आ जा रहे हैं आराम नगर, आराम नगर में देखते हैं कितने प्रोडक्शन हाउस है और किस टाइप से मतलब यहाँ पे काम होता है, सब कुछ पता कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नए हैं। काम तो गाइस बहुत किया वैसे देहरादून में, बट बॉम्बे में पता कर रहे हैं हम चीज़ें, तो रोज़ नई नई चीज़ें पता चलती हैं, तो वही आपको दिखाते हैं। तो चलो बनाया अपने सत्तर चढ़ा। अरे नवी, वी आर गोइंग टू आराम नगर फॉर द ऑडिशन एंड इंट्रो। देखते हैं क्या बनता है वहाँ पर जाके, क्योंकि हम दिन रात भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए। मंजिल होता है। तो मेरे को एक चीज़ बता, तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से सिर्फ ओनली और 10 किलोमीटर हम पैदल जा रहे हैं गाइस। ऐसा नहीं है, यहाँ से सिर्फ 5-7 मिनट का रास्ता है आराम नगर,
जहाँ पे हम रहते हैं, तो नज़दीक है। तो अभी ऑटो जो भी आ रहे हैं भरे हुए आ रहे हैं, तो हम पैदल चलते हैं और मिलेगा ऑटो तो ऑटो भी ले लेंगे। सो मिलते हैं गाइस आपको आगे, थोड़ा सा टाइम हो जाएंगे बस और क्या, बाकी तो अभी अभी खाना खाया था और खाना भी पच जाएगा और ज़्यादा धूप भी नहीं आई आज, मज़ा आ रहा है। जो आराम नगर फेज़ टू है वो यहाँ से अंदर को है, मतलब आगे एक बीच है रॉक बीच, तो रॉक बीच से थोड़ा आगे आओगे आप तो आपको यहाँ दिख जाएगा। आराम नगर के लिए जाता है पूरा रास्ता, आप जब अगर सीधे जाओगे तो वहीं जा रहा है। और इतना प्यारा शॉट यार, वाह, इतने सारे अच्छे शॉट हो गए। और हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं आज आराम नगर साइड, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड अंकित ने बताया था। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, ज़्यादातर एड्स के ऑडिशन होते हैं, फिर स्टूडियोज हैं यहाँ पर, तो देखते हैं एंड कैसा कैसा होता है। बस ब्रेक रोम फाइनली पहुँच गए डेस्टिनेशन पर, बट यहाँ पर हो रहा है नो एंट्री काइंडली। अच्छा ये वाला नहीं अपना, बट स्टिल वी कैन टेक अ पिक्चर। या सो गाइस, अगर आप भी लोग भी इंटरेस्टेड हो तो इस मेल पे वो कर दो, क्या अपने प्रोफाइल भेज दो और आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ से कॉल आएगा। तो अभी और दिखाते हैं, अभी हमारा जो यहाँ पे ज़्यादातर ऑडिशन ही होते हैं गाइस, हम जहाँ भी जा रहे हैं ना हर जगह ऐसे लिखा हुआ है। तो गाइस आज शाम को भेजी जाएगी यहाँ पर प्रोफाइल, तो वही है ना गाइस, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक ढूंढेंगे नहीं कुछ से, तो पता नहीं चलेगा। अभी धीरे धीरे हमें पता चला इसके बारे में, तो ऐसे ऐसे सब पता चलता रहेगा। इसलिए निकलो बाहर अभी, फिर अभी तो हम स्टूडियो में जा रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रोडक्शन हाउस में जाया करेंगे डायरेक्ट, और फिर आपको सब दिखाएंगे। मतलब ये क्या है बेसिकली, यहाँ क्या होता है, ये क्यों लगा है मतलब? अच्छा आप बनाते हो, ये प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा आसपास होते हैं ये ऑडिशन? सुबह सब चल रहे हैं कास्टिंग बे में, ये प्रोडक्शन हाउस था, इनकी कास्टिंग मुकेश शाबरा करते हैं, तो आप उन्हें भेजिए। ये शायद तो उन्हें भी लोग पता करने गए। तो आज इनको ही ऑडिशन देंगे हम, अगर ये लोग लेते हैं हमारा ऑडिशन तो कैसे लग रहा है मानसू? तो सभी देखते हैं लगेगा तो बाद में हमारा ऑडिशन लेना। और यहाँ पे कई लोग कास्टिंग में तो बहुत फेमस है। और यहाँ पे इतनी सारी मूवीज करी है, तो ये बैठने का यहाँ पे अच्छा है। और जस्ट वी आर वेटिंग कि कोई आए। कास्टिंग बे बाय बाय। सो गाइस हुआ कि हम लेट हो गए, मतलब यहाँ से 11 से 12 होते हैं, तो अगर आप आते हो ऑडिशन, क्योंकि यहाँ पे ओपन ऑडिशन हो नहीं रहते। सो गाइस अभी आए थे कास्टिंग बे से बाहर, और उनके जो इंट्रोडक्शन होते हैं, मतलब ऑडिशन हो नहीं रहे वहाँ पे अभी ओपन, तो वहाँ पे ऑनलाइन हो रहे हैं, मतलब उनके ईमेल पे भेज दो, लेकिन इंट्रोडक्शन वो ऑफलाइन ले रहे हैं, तो वो होते हैं 11 से 12। हम लेट हो गए थे इसलिए हमारा नहीं लिया, पर उन्होंने बहुत पोलाइटली हमसे बात की और उन्होंने हमें समझाया कि टाइमिंग बताई। तो आप भी आते तो 11 से 12 आओ, इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन दो और चले जाओ। अगर आप आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कॉल आएगा और फिर मिलता आपका। आ चुके हैं अपनी फेवरेट सी जगह पे, बीच पे, रॉक बीच, तो आराम नगर के पास ही है। तो यहाँ से आए और अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है यार, मतलब एक पीस सा मिलता है यहाँ पे ना, पहले गर्मी में कोई आता नहीं है, बट हम आए बट काफ़ी अच्छा सा लग रहा है भाई। और यहाँ पे बनाइए तो रील्स अगर बन सके, बट रियली अमेजिंग। क्या बोलना चाहिए हिमांशु यहाँ पे? भाई यहाँ आके तो अच्छा ही लगता है, बस थोड़ी धूप है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन यार। लाइफ अगर इतनी आसान होगी तो मूंगफली में छिलके और लड़के में इतने नखरे नहीं होते, कितने रुपए भैया? 100 रुपए, इतना महंगा गूगल पे हो जाएगा यार, बहुत महंगा यार, बहुत रुपए यार, 100 रुपए यहाँ का रेट ही शायद 100 यार, लूट रहा वो बंदा, परसों रात में था बट सब 100। और जैसे मुझे एक वीडियो चाहिए ना, हाँ बताओ ना, बढ़ेगा कैमरा बताएंगे कर रहा। ये तो चल गया घोड़े पे, एक्चुअली मैं घोड़े में इसलिए नहीं बैठा गाइस, क्योंकि यार देखो आपको पता है मैं कहाँ से हूँ, मैं सुमोली गढ़वाल,
सो तो वहाँ पे ना मैंने बहुत राइडिंग की है, तो मेरा ना मन कर गया इन चीज़ों से, और अभी उतना मेरे को इंपॉर्टेंट भी लगा, ठीक है। और हिमांशु कर रहे हैं क्योंकि हिमांशु ने बहुत कम करी है चीज़ें, और मेरे को लगता भी नहीं इससे पहले करिए कि नहीं करिए, जिस हिसाब से पकड़ा था ना घोड़ा पूछ रहा था चीज़ें, इसलिए मैं तुम्हें ना राइड करके आया था बहुत देर, बट सही है, शौक पूरे कर रहा हूँ बॉम्बे में आके, बस हमारे कुछ और शौक है, हम कुछ और पूरा करेंगे, है ना। आपको बताइए मुझे क्या मतलब आपका। बाय बाय बीच। सो टू फाइनली अब जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, एंड ऑडिशन भी मतलब हुआ नहीं ठीक से, बट ये कि यहाँ के थोड़ा सुकून मिला, थोड़े फिर रील्स वील्स बनाई और फोटोशूट करा, और हिमांशु ने क्या करा, और हिमांशु ने हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स राइडिंग करी तो कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया, अभी तो वैसे करी स्लो, चरम सुख पे पक्का भगाऊंगा, चरम सुख पे था, चरम सुख पे था, गुड यार, सही लगा था तुझे देख के, क्योंकि इसका शायद इसने बहुत कम करी होगी, बट मैंने तो गाइस शूटिंग में भी बहुत करी है, पंचवीट की शूटिंग आई थी उसमें मैंने हॉर्स राइडिंग करी बढ़िया से। तो मिलता है आपको गाइस आगे, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, और कुछ और कंटेंट मिलता तो आपको दिखाते हैं, मुन्ना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलता है।